नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली द लेटेस्ट न्यूज़ और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, वहीं पे 10 किलो आईडी और हथियार जो है बरामद कर लिए गए हैं। चलिए सबसे पहले पूरी बात जो है वो आपको बताते चलते हैं। बात करें पुंछ में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया है। वहीं पे उपमंडल मैंडर के दूरदराज गांव में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में आईडी और हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। वहीं पर आपको बताते चले जम्मू संभाग के जिला पुंछ में देर रात सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया है। वहीं पर उपमंडल मैंडर के दूरदराज गांव में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में आईडी और हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। वहीं पे आपको बताते चले सुरक्षा बलों ने इस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है और इसके साथ ही आसपास के इलाके में तलाशी जो है अभियान जो है वो चलाया गया है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले पुंछ के उपमंडल मेंढर के गाँव कसबलारी में बुधवार देर रात्र 39 राष्ट्रीय राइफल और विशेष अभियान समूह द्वारा एक तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं पर इसमें सेना के खोजी कुत्तों को भी शामिल किया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध ठिकाने से करीब 10 किलो विस्फोटक उपकरण, आईडी, एक चीनी पिस्तौलक, एक ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। वहीं पे आपको बताते चले मौके पर बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक सामग्री को नष्ट कर दिया गया है। साथ ही सर मेंढर के थाना प्रभारी सज्जाद अहमद ने कहा कि संदिग्ध आईडी को बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि गाँव के सरपंच और क्षेत्र के अन्य प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में इसे नष्ट कर दिया गया है। मामले में आगामी जांच कर रही है। वहीं पे आपको बताते चले फिर से पुंछ की बात करें तो पुंछ में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश किया गया है। वहीं पे उपमंडल मैंडर के दूरदराज गांव में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में आईडी और हथियार जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। इस तरह की और अपडेट के साथ देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।